ये वीडियो सिर्फ एक मजाक है, लेकिन आपको सीरियसली लेना है। इतना चुपचाप क्यों रहता है तू? ना जाने कैसी नजर लगी है जमाने की, कोई जगह ही नहीं मिल रही बजाने की। चुपी रहे तू। भाई मैं 4 महीने में अमीर बनने वाला हूँ। अगर अब उस चेन मार्केटिंग का नाम लिया तो चप्पल फेंक के मारूंगा। नहीं भाई, वो चुतियापुर में एक बाबा रहता है, उसके पास गया था। उसने मुझे प्रसाद दिया और ये कछुए का गले का धागा दिया। बोला 4 महीने में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अरे वो धागा नहीं, गले का पट्टा है। No. ताकि तू रोज पालतू कुत्ते की तरह उस बाबा के पास जाए और अपनी जेब खाली करवाए। नहीं भाई, वो बाबा बड़ी भोली शक्ल का था, ज्ञानी लग रहा था। धाड़ी उगाने से और साड़ी पहनने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे स्कूल्स और कॉलेजों में बाबा बनने की डिग्रियां बांटी जाती। इनकी किताबों का पहला चैप्टर होता रेप, दूसरा पैसा, तीसरी भोली शक्ल। क्यों ना गो? मुझे तो एक ही ज्ञानी पता है, ज्ञानी 2.0। ऐसा महापुरुष ना कभी हुआ है ना होगा। आइटम कड़क था, इम्पोर्टेड है। नंबर देना। चप्पल का नंबर दूं क्या? सॉरी भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। कहा था मैं भाई भोली शक्ल। हाँ, इन बाबाओं की शक्ल इतनी भोली होती है, ऐसा लगता है अंबानी खुद अपनी तिजोरी की चाबियां इनके पास संभालने के लिए रखता है। मुझे पता नहीं चलता लोग जाते क्यों है इनके पास। बीमार हो बाबा, बच्चा नहीं हो रहा बाबा, टट्टी नहीं आ रही बाबा, ऐसे बहुत लोग जाते। बाबा हमें बच्चा नहीं हो रहा। ये लो लड्डू खा लो, और ये टार्जन के झटके बाल अपने पति के तकिए के नीचे रख देना, हो जाएगा 3 महीने में बच्चा। अबे ऐसा लड्डू खाने से बच्चे होते तो सारे दूल्हे आत्महत्या कर लेते, कंडोम कंपनियों को ताला लग जाता, सड़क पे आ जाती। ये बाबागिरी दुनिया का सबसे कामयाब बिजनेस है। इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती, 0 लॉस और 100% प्रॉफिट होता है। जब तक लोगों में अंधविश्वास है, ये ढोंगी बाबा हमारा चुटिया काटते रहेंगे और हम कटवाते रहेंगे। काटो, मुझे क्या है। पहनो कछुए का धागा, पहनो कुत्ते का, पहनो गधे का, पहनो हाथी का, पहनो डायनासोर का, पहनो। जिंदगी झंड है तुम लोगों की।